बात एक नए विवाद की करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के पिता से जुड़ा विवादित बयान दिया तो बीजेपी का गुस्सा फट पड़ा। अहमद यादव टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने लखनऊ के अजरतगंज थाने में और वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई है। पवन खेड़ा ने विवादित बयान उस वक्त दिया जब अडानी के मसले पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको सुनाते हैं वो बयान। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास दामोदर दास सॉरी। और पवन खेड़ा ने अपने इस बयान पर ट्वीट करके सफाई दी है। आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा है अपने इस ट्वीट में। दरअसल जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसको लेकर वो चौतरफा घिर गए थे। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ इस ट्वीट के जरिए कहा गया है। तो ये खेड़ा की सफाई है। जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं तब तो कुछ नहीं बोलते। हमने तो प्रधानमंत्री का कोई अपमान नहीं किया है। और ना ही हमारे ऐसे संस्कार हैं।